हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खा। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है MS क्रिएशन, और जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो खेली गई थी सन 1973 में रेमंड कीन वर्सेस व्लादिमिर कोवाचेविक। काफी अलग नाम है, क्रोशिया के ये ड्रेस सॉरी चेस मास्टर रहे हैं। Nf3 के साथ यहाँ रेमंड ने शुरू किया। व्लादिमिर का रेस्पॉन्स यहाँ d5 का आया, देन हुआ b3 बिशप g4 तो बिशप b2 नाइट d7 देन g3 बिशप टेक्स f3 ई टेक्स f3 देन नाइट एट g गोज टू f6 f4 देन e6 बिशप g2 बिशप e7, और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने किया कैसल d3, देन हुआ a5 तो a4 ऑब्वियस मूव बनता है, तो c6 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन नाइट d2 यहाँ व्हाइट का मूव आया, देन हुआ b5 क्वीन गई e2 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, यहाँ तक मेरे ख्याल से गेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है a2z। ब्लैक के पास दो ऑप्शंस हैं, पॉन को आगे पुश किया जाए या मेटल एक्सचेंज किया जाए। तो b takes a4 की ऑप्शन यहाँ पर प्लेड ब्लैक ने चुना, तो rook takes a4 से इसका स्वागत किया गया, लेकिन ब्लैक के पास मौका आया एक टेम्पो गेन करने का, नाइट को डेवलप करने का और रुक पर अटैक बनाने का, लेकिन यहाँ से आगे फर्दर नाइट इंप्रूव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रुक पहले हटा a2 स्क्वायर पर, और चूंकि रुक अनडिफेंडेड है तो ए पॉन आगे पुश किया गया, देन रुक अटैक गोज टू a1, और यहाँ व्हाइट ने लगा ली है अपने रुक्स की बैटरी। प्रॉब्लम है a takes b3 कोई प्रॉब्लम नहीं है, rook takes a8 knight takes a8 knight takes b3 मेटल एक्सचेंज ही को रहा, लेकिन ब्लैक की गेम में प्रॉब्लम है। आप यहाँ इस नाइट का साथ देखिए, कॉर्नर में पहुंच चुका है, गेम की इनिशियल स्टेज है, 17वां मूव है और ऑलमोस्ट आउट ऑफ दिस गेम ये नाइट माना जाएगा। knight b6 चलिए वापस तो लाने की कोशिश है, लेकिन f5। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से इस गेम में काफी अच्छा खासा स्टेज सेट हुआ स्पेशली विद दिस f पॉन पुश, तो क्या आपको यकीन होगा? नहीं, e takes f5 होगा ही होगा, ऑब्वियस है। आप कहेंगे कि यार ठीक है, ज्यादा ज्यादा वाइट यहाँ क्या करेगा, फोक लगाने की कोशिश करेगा दोनों पॉन्स पर, knight d4, लेकिन इसके बाद क्वीन से डिफेंस हो गया उसको d7 स्क्वायर पर ले जाकर। हाँ, कह सकते हैं कि इस पॉन पर अटैक पर अपने बिशप से बनाया जा सकता है, जो बनाया भी गया था, रेमंड ने यही मूव चला था और बिशप से और ज्यादा प्रेशर को क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन इसका सिंपल डिफेंस है f6। f6 हो गया, यहां तक ये ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ इस पॉइंट पर व्लादिमीर या किसी और खिलाड़ी ने bishop takes f5 के ऑप्शन को ऑप्ट नहीं किया होगा। क्यों? g takes f5 ठीक है यार, पीस सेक्रीफाइस किया है, क्या करेंगे इसका? rook a7 बिशप सेक्रीफाइस, नाउ रुक क्लियरली सेक्रीफाइस, और यहाँ इस रुक सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करना भी चाहिए क्योंकि बिशप तक अटैक आ रहा है, तो जो मेटेरियल यानी कि बिशप सेक्रीफाइस जो अभी भी थोड़ी देर पहले वाइट ने किया था वो जस्टिफाई होता हुआ अभी नजर आ रहा है। अगर आप क्वीन को हटाएंगे तो डायरेक्टली यहाँ rook takes bishop का मूव क्लियर नजर आ रहा है। खैर, queen takes a7 यहाँ पर पहले इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, रुक सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया गया, उसके बाद हुआ knight takes c6। फ्रेंड्स, अब आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, फॉक लग रही है बिशप और क्वीन पर, लेकिन आप ज्यादा ज्यादा क्या ले लोगे? बिशप ले लोगे, रुक तो अभी भी लटका हुआ है, आपका रुक आपने दे रखा है वापस। खैर, यहाँ क्वीन को बचाना जरूरी है, लेकिन उसके बाद हुआ knight takes e7 चेक। और फ्रेंड्स, अगर आप अब इस सीक्वेंस को देखें तो शायद आपको समझ में आ जाए कि किंग का h8 स्क्वायर पर जाना तो नामुमकिन है, क्योंकि bishop takes f6 एंड विद द हेल्प ऑफ दिस नाइट एंड बिशप यहाँ एक गेम चेकमेट तक पहुंच जाएगी। तो एकमात्र क्या मूव बचा? किंग का g7 स्क्वायर पर जाना। और फ्रेंड्स, यहाँ अगर मैं कहूँ जो इस मूव के बाद वाइट ने जो लास्ट मूव चला था वो यहाँ इस गेम का लास्ट मूव, क्योंकि क्वीन के h5 स्क्वायर पर जाने के बाद व्लादिमीर ने रिजाइन कर दिया, रेजिग्नेशन। फ्रेंड्स, आप वीडियो पॉज करके रखें और सोचने की कोशिश करें कि आखिर ये रेजिग्नेशन आया क्यों। सबसे पहले तो यहाँ पर ये नाइट क्वीन है तो ठीक है, क्वीन सेफ है बिल्कुल। दूसरा, ब्लैक ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? इस नाइट को ले सकता है, ठीक है, पहले उसी को लेते हैं, queen takes c7 के ऑप्शन को चुनते हैं, लेकिन अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ेगी तो queen g5 चेक, किंग को h8 स्क्वायर पर लेकर जाना होगा, देन bishop takes f6 और ये चेक मेट है, अगर बचना है तो क्वीन देनी पड़ेगी, फॉक है किंग क्वीन पर, तो queen takes f6 करना ही पड़ेगा। और queen takes f6 चेक होने के बाद ऐसा नहीं है कि अब यहाँ ब्लैक को ब्रिदर मिलेगा, क्योंकि ब्लैक का नाइट
कुछ नहीं कर सकते, तो क्योंकि जब G8² पर जाएगा तो Qxb6 तो बहुत ज़बरदस्त नुकसान है यहाँ से। दूसरी ऑप्शन अगर हम यहाँ इस पॉइंट से ऑप्ट करें कुछ भी, जैसे कि अगर यहाँ ब्लैक अपने किंग के जाने के लिए कोई रास्ता बनाने की कोशिश करे, सपोज हम यहाँ इस रुक को B8² पर ले जाते हैं, तो उसके बाद ठीक है चेक तो आएगी आएगी, किंग F8² पर ही जाएगा, देन बिशप टेक्स F6, और यहाँ इस पॉइंट पर अगले मूव में क्या हम इसे चेकमेट की थ्रेट, एग्जैक्टली अगले मूव में चेकमेट की थ्रेट आ रही है, तो क्वीन टेक्स E7 यहाँ पर ब्लैक को करना ही पड़ेगा और कोई इलाज है भी नहीं। बिशप टेक्स E7 चेक होगा, देन रेजिग्नेशन ही आएगा इस चेक से बचने के लिए। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस ग्रुप को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।